हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो रीट मुख्य परीक्षा 2023 फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए मैथ में देखेंगे रेखाओं को। यहाँ पर आपको मैथ एंड साइंस का लेवल 2 का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और मैथ का लेवल 1 का लेवल 1 का जो भी संपूर्ण कोर्स है वो आपको संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो लेवल 2 में है वो मैथ एंड साइंस और जो जीके राजस्थान जीके उसे कंप्लीट कराया जाएगा, जबकि लेवल 1 का आपको संपूर्ण कोर्स जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ पर जो आपको क्लास मिल जाएगी वो बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में संपूर्ण कोर्स आपको प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, रेखा को कौन, देखिए जैसे बोला गया अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी लंबाई निश्चित न हो। तो जैसे अनंत बिंदु, देखो जैसे ये अनंत बिंदु है, इन्हें हम जोड़ दें, तो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी लंबाई निश्चित ना हो, कहीं तक भी बढ़ाएं सर, जिसकी लंबाई निश्चित ना हो, ये अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होगा ये। और जिसका ना तो कोई प्रारंभिक सिरा हो, इधर भी पीछे आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे की तरफ ले जा सकते हो, आगे भी कितना ले सकते हैं, ना तो जिसका अंत हो ना ही जिसका प्रारंभ हो। तो इस प्रकार की जो लाइन प्राप्त होती है या इस प्रकार का बिंदुपथ प्राप्त होता है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अच्छा, रेखा के ऊपर पॉइंट के ऊपर तो सब पूछ लेते हैं हमने, सभी पॉइंटों को यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उन सभी का यहाँ पर डिस्कशन किया है। देखिए, पहला पॉइंट है आपका, किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई एक बिंदु ले हम तो यहाँ से असंख्य रेखा खींची जा सकती है, इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, तो कोई भी अगर एक बिंदु से असंख्य अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, पॉइंट डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसी रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। देखे भी हमने पॉइंट, किसी भी रेखा पर असंख्य बिंदु, असंख्य का मतलब अनंत बिंदु हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीन असंरेखीय बिंदुओं से तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर तीन असंरेखीय बिंदु दिए हुए अलग अलग तो उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती है, तीन। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि चार असंरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन दे देगा 2, 4, 5, 6, तो चार असंरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, 6 रेखा खींची जा सकती है, जबकि तीन असंरेखीय बिंदुओं से तीन रेखाएं खींची जा सकती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, बात करेंगे रेखाओं के प्रकार की, रेखाओं के टाइप्स होते हैं, उनके ऊपर जो पॉइंट होते हैं उन्हीं को क्वेश्चन में दे देता है। जैसे कि देखिए, रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे हम समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जो होती है, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, तो वो दो पॉइंट पे क्लियर हो जाती है, दोनों पॉइंटों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। एक प्लेन में हम दो रेखाएं खींच दें, जैसे ए बी रेखा और सी डी रेखा, इन्हें हम कितना भी आगे बढ़ाएं पीछे बढ़ाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे, तो इन रेखाओं को हम कैसी रेखाएं कहेंगे, समांतर रेखाएं। यहाँ पर जो ए बी और सी डी कैसी रेखाएं, ये पैरेलल लाइंस है, यानी समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाओं का डिनोट करने का चिन्ह होता है। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट डायरेक्ट पूछा जाता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। जितना बी से लेकर डी पॉइंट यानी मिडिल डिस्टेंस होगी उतना ही ए सी होगी, कहीं पर भी हम मिलाएं तो उन रेखाओं के बीच की दूरी कैसी रहेगी, बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, समान रहती है। देखिए, पूछ लिया आपकी प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्ट लाइन, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे तो वहां पर प्रतिच्छेदन होगा, तो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। तो हमेशा जो दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है किसी बिंदु पर, तो दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान। ये वाला एंगल इसके समान होगा और ये एंगल इस कोण के समान होगा, ये पॉइंट पूछा जाता है। अच्छा, और जो रेखा होती है उनकी क्या टाइप पूछ सकता है कि चार रेखा दे देगा, बोल देगा इसमें संपाति रेखा कौन सी है, तो पता होना चाहिए आपको किस रेखा को संपाति कहते हैं, क्या उनके ऊपर पॉइंट नहीं, केवल फिगर के बारे में यानी कि उन रेखाओं की पहचान होना जरूरी है। संपाति रेखा कैसे होगी, जैसे ये रेखा है ये भी, तो इसके संपाति यानी कोइंसिडेंट रेखा कौन सी होगी, कोइंसिडेंट लाइन जो इसी के बिल्कुल जस्ट ऊपर होगी, जैसे ये रेखा है सी डी, तो ये रेखा इस पर कैसी है, संपाति रेखा बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, लंबवत रेखा कैसी होती है, परपेंडिकुलर लाइन, ये रेखा कैसी कहलाएगी, लंबवत रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये लंबवत रेखा हो गई और ये कौन सी रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल
लाइन यानी के क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा ये लंबवत रेखा है। बिंदुवत रेखा कौन सी होती है, जैसे डॉटेड ये वाली लाइन, जैसे डॉट कर देते हैं तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी, बिंदुवत लाइन। अच्छा उसके बाद में कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ये होगी। डायगोनल लाइन, जैसे डायगोनल बनाते हैं बेकार, ऐसे ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी जिगजैग लाइन कौन सी होगी, अगर पूछ लेता है कौन सी ने चार दे दे और बोले कि इसमें जिगजैग लाइन बताइए, तो जिगजैग लाइन ऐसी होगी, ऊपर नीचे हो रही है ना, तो ये कौन सी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी जिगजैग लाइन है, ये है जिगजैग लाइन, ठीक। अच्छा एक वक्र रेखा होती है किस प्रकार की, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, वक्र रेखा, यही समझ लीजिए, कर्व लाइन बोलते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद में एक लाइन और बचती है, लहरदार रेखा, लहरदार रेखा वो कैसे होगी, जैसे ये ऐसा ग्राफ होते हैं ना, जैसे साइन के और फिजिक्स में देखे होंगे तुमने, साइन के कॉस के उस तरह के ग्राफ होते हैं, तो ये किस प्रकार की लाइन है, लहरदार रेखा। तो इन रेखाओं की केवल नाम से और उनका फिगर पता होना चाहिए, अगर भाई दिन पूछ लेता है कि इन लहरदार रेखा कौन सी है, चार फिगर दे दे, तो केवल पहचानना आना चाहिए। देखिए रेखाओं के ऊपर तो इतने पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, देखते मेन पार्ट है आपका स्लैंट यानी कि कोण, और रेखाओं के ऊपर जब दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें जब एक प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो कंटीन्यूअस क्या बनती है, वो भी एंगल में ही आता है, ठीक है। तो हम कोण में सभी पॉइंटों को कंप्लीट करेंगे। देखिए बात करेंगे कोण की, तो कोण में कोई भी दो किरण है जिनका प्रारंभिक बिंदु, ये डेफिनेशन समझ लेते, कोई भी दो किरण है, जैसे किरण है या फिर रेखाएं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, इनिशियल पॉइंट इनका एक ही हो, ओ ए एंड ओ बी एक ही हो, कोण बनाती है यानी एंगल बनाएंगी, ओ वैनिष्ठ बिंदु ओ को, जो वैनिष्ठ बिंदु ओ है ना दोनों किरणों में दोनों रेखाओं में, उस ओ को कोण का क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, यानी ओरिजिन होगा ओ और दिखता है इसका एंगल होगा। चलिए तो कोणों का वर्गीकरण करते हैं, फिर कोणों के प्रकार देखेंगे हम किस प्रकार होंगे। तो कोणों का वर्गीकरण करें तो न्यून कोण, न्यून कोण के जैसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या होगा, तो देखिए जैसे न्यून कोण ही है, जैसे थीटा बराबर मान लें 60 अंश या थीटा बराबर 45 अंश, तो न्यून कोण होता क्या है, रेंज कैसे लिखोगे कि जो न्यून कोण होगा वो जीरो से तो बड़ा होगा और 90 अंश से कैसा होगा, छोटा होगा। जैसे 75 या 80 या 85 ये सब किसमें आएंगे, न्यून कोण में आएंगे। समकोण की बात की जाए तो समकोण ये होगा तुम्हारा 90 अंश, समकोण थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश। न्यून कोण वो कोण होते हैं 90 अंश से छोटे होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। अधिक कोण की बात की जाए तो अधिक कोण क्या होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, तो जो अधिक कोण होगा वो कैसा होगा, 90 अंश से तो अधिक होगा और 180 अंश से छोटा होगा, यानी थीटा का मान 90 और 180 के बीच में होगा। सरल या रिज कोण क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, ये रिज कोण होता है यानी सरल एंगल होता है 180, कितने का होता है 180 अंश का जो कोण होता है, जो कि एक लाइन एंगल बनाती है, वो कौन सा कोण होता है, सरल कोण या फिर रिज कोण। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, जो थीटा का मान है वो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि मतलब 360 से छोटा और 180 से बड़े एंगल होते हैं वो किसमें आते हैं, बृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण में। बात करें हम पूर्ण कोण की, कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल कैसा होता है जी, अगर एक पूरा एंगल आप घूम जाए, जिस पॉइंट से शुरुआत हुई उसी पॉइंट पर लौट आए, तो पूरा एंगल कितना घूमते हैं हम, 360 अंश, तो पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। ये तो रहा तुम्हारा कोणों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं कोणों के प्रकार। देखिए कोणों के प्रकार में फर्स्ट पॉइंट है आपका कोटिपूरक कोण या पूरा कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 अंश होता है, पूरक कोण या फिर कोटिपूरक या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि माना पहला कोण थीटा है और पूछेंगे थीटा का कोटिपूरक एंगल बताओ या पूरा कोण बताओ, तो थीटा का जो पूरक एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि
पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, थीटा और 90 का थीटा को जोड़ो तो थीटा से थीटा कैंसिल, बराबर कितना आएगा 90 अंश। फॉर एग्जांपल तुमसे पूछे जाए कि 30 अंश का पूरा कोण बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जिनका योग 90 अंश होता है वो कोटिपूरक कहलाते हैं, तो 30 और 90 होना चाहिए योग, तो इसका पूरा कोण कितना होगा 60 अंश, क्योंकि 30 अंश और प्लस 60 अंश तभी तो 90 अंश बनेगा, तो 30 अंश का कोटिपूरक कितना होगा 60 अंश होगा। बात करें संपूर्ण कोण की यानी सप्लीमेंट्री एंगल की, तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, संपूर्ण कोण कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि अगर मान लिया कि माना थीटा है और थीटा का पूछ लिया है तुम्हें कि संपूरक कोण बताइए, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना होगा 180 अंश माइनस का थीटा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल जोड़ने पर कितना आएगा 180। ऐसे ही 100 अंश का संपूरक कोण पूछा है तो 100 का संपूरक कितना होगा 80 अंश, क्योंकि 100 अंश में प्लस 180 हो जाना चाहिए, तो प्लस कितना कर देंगे 80, या फिर 180 में से कितना घटा देंगे 100, तो कितना बचेगा 80 अंश बचेगा, 100 और 80 का योग कितना होगा 180। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होगा संपूरक, और ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होगा 90 अंश क्या कहलाते हैं कोटिपूरक कहलाते हैं। तीसरा एंगल है आसन्न कोण किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा एवं शीर्ष वैनिष्ठ हो, एक भुजा और एक भुजा एवं शीर्ष कैसा हो वैनिष्ठ हो यानी कॉमन हो आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे कि फिगर से समझिए, ये है एंगल एक भुजा, ये वाली भुजा देखिए इस थीटा वन के लिए भी कॉमन है और थीटा टू के लिए भी एक ही भुजा है, और इसका शीर्ष ए देखिए थीटा वन एंगल के लिए भी थीटा टू एंगल के लिए भी है, तो दोनों के लिए भुजा भी वनिष्ठ है और शीर्ष भी वनिष्ठ है, तो इस केस में थीटा वन और थीटा टू कैसे कोण कहलाएंगे आसन्न कोण कहलाएंगे, और इसके लिए थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होगा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है 180, क्योंकि सेम जगह थे रिज कोण कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है थीटा वन कोण 30 अंश है तो बताइए थीटा टू कितना होगा, तो जब थीटा वन 30 होगा तो थीटा टू कितना हो जाएगा 180 में से 30 घटा देंगे कितना जाएगा 150 अंश आ जाएगा। शीर्षानुलंब कोण क्या होते हैं, शीर्षानुलंब कोण से हमने रेखा पढ़ लिया जो अपनी रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं वहीं से आता है शीर्षानुलंब कोण। ये रेखा है ए बी रेखा और सी डी रेखा, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तब इनके जो संभव कोण होते हैं अर्थात कोण एक बराबर कोण दो होगा और कोण तीन बराबर कोण चार होगा, तो ये जो कोण होते हैं वो संभव कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, नहीं कहते हम शीर्षाभिमुख कोण। चलिए बहुभुज के बारे में देखते हैं कि बहुभुज के ऊपर एंगल के ऊपर पूछ लेता है, बहुभुज जैसे त्रिभुज है, बहुभुज होगा क्या यानी बहुत सी जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, तो यहाँ पर जो एन है वो भुजाओं की संख्या है, चतुर्भुज में एन बराबर कितना होगा 3 होगा, भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, भुजा कितनी एन है उस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का यानी अंदर वाले कोणों का योगफल निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस टू इंटू 180 अंश, अगर त्रिभुज है तो एन की जगह 3, पंचभुज है तो एन की जगह कितना होगा 5, उससे हमें बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। किसी एन सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ ले, एक अंतःकोण का मान पूछ ले किसी का, तो इसी योगफल में कितने का भाग देते हैं भुजाओं की संख्या से अर्थात एन से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई एन। किसी एन सम बहुभुज के सभी बहिष्कोणों यानी बाहर के एंगल का योग की बात करें, तो किसी एन सम बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। किसी एन सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान पूछ ले, एक एंगल का मान पूछ ले, तो क्या करते हैं भुजाओं की संख्या अर्थात एन से भाग कर देंगे 360 बटे एन, ठीक है ना, त्रिभुज तो एन का मान 3 हो जाएगा, पंचभुज तो एन का मान 5 हो जाएगा, षट्भुज तो एन का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अंतःकोण प्लस बहिष्कोण यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर इन दोनों का योग कर दें तो किसके बराबर होता है 180 अंश के बराबर होगा, आई प्लस ई बराबर 180 अंश। देखिए जितने भी इसके ऊपर पॉइंट बन रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं, जितना भी मैटर है उन सभी को हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जितना भी रेखा है वो कोण पर कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सही प्रकार के इनके ऊपर क्वेश्चनों को हम देखेंगे, दो वीडियो में आपकी ये रेखा एवं कोण क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखिए किसी एन बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन एन माइनस 3/2, जहाँ पर एन क्या है उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर समझना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे बात की है चतुर्भुज की,
चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे वर्ग है, आयत है, तो चतुर्भुज की भुजा कितनी होगी? चार। तो एन कितना हो जाएगा? चार। जैसे वर्ग की बात कर ली है तो यहाँ वैल्यू लगाओगे फॉर्मूले में, तो चार चार माइनस तीन और डिवाइड में कितना आएगा? टू। तो चार में से तीन जाएगा एक और दो से चार काटेंगे दो, तो यानी कितनी वैल्यू निकलेगी? दो। तो यानी कितने विकारों की संख्या निकल रही है इसमें? एन बहुत में कुल विकारों की संख्या कितनी होती है जिसमें एन बराबर चार में से विकार कितने होंगे? दो। तो चाहे वर्ग खींच लो चाहे आयत, विकारों की संख्या कितनी निकल दी? तो यहाँ से हम विकार निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ इसके ऊपर आपका, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, उसे एक तिर्यक रेखा देखिए एल एम लिया हमने, ये इसे अगर काटती है तो तीन प्रकार के एंगल बनते हैं, तीन कंडीशन बनते हैं, तीनों कंडीशन को देखते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही आता है एग्जाम में। देखिए एल एम ये रेखा है, हमने कौन माने? एक दो तीन चार सिक्वेंस से पहले, और पाँच छः सात और आठ, ए बी और सी डी ये क्षैतिज रेखा है और एल एम ये तिर्यक रेखा है। देखिए पहले संगत कोणों को देखते हैं, कोण एक बराबर होगा कोण पांच के, ये संगत कोण है, जितना ऊपर की तरफ बना है तो ये भी की तरफ बना है, ऊपर की तरफ बना है, यानी संगत कोण है। कोण एक बराबर होगा कोण पांच के, कोण दो के संगत कौन सा होगा? कोण छह, तो कोण दो बराबर होगा कोण छह के। अच्छा कोण चार के संगत कितना होगा? कोण आठ, तो कोण चार बराबर होगा कोण आठ के। कोण तीन के संगत कौन सा होगा? कोण सात, तो कोण तीन बराबर होगा कोण सात, यानी एंगल थ्री एंगल सेवन के बराबर होगा। इस प्रकार के ये एंगल कौन से कोण पर कहलाएंगे? इसमें संगत कोण। दूसरा देखते हैं फिर होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण या दो प्रकार के हो जाते हैं, एक बाह्य एकांतर कोण और दूसरा होता है अंत एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे? देखिए कोण एक बराबर होगा कोण सात के, तो ये बाहर है, ये एक बाहर है, इधर ये सात बाहर है, तो ये एकांतर कोण कहलाएंगे। लेकिन कौन से? बाह्य एकांतर कोण। तो यहाँ कोण एक बराबर होगा कोण सात के, एकांतर कोण जब देखेंगे हम तो, और कोण दो बराबर होगा बाहर, इधर भी बाहर जाएंगे तो कोण दो बराबर होगा कोण आठ के। अगर बात की है अंत एकांतर की, तो अंत एकांतर में देखिए कोण चार बराबर होगा कोण छह के, ये अंदर बने हुए कोण है, एकांतर कोण है, जैसे जेड प्रमेय के थ्रू निकालते हैं वही है। कोण थ्री बराबर होगा कोण पांच के, ये रेखाओं के अंदर बने हुए कोण है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अंत एकांतर कोण। एक प्रॉपर्टी और लगती है इसमें, उसे भी देख लेते हैं। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है जब दो क्षैतिज रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। एक ही ओर के अंतर कोण मतलब जैसे कोण चार और कोण पांच, कोण चार और कोण पांच इनका योग अगर हम निकालें तो कितना होगा? 180 अंश। और कोण तीन और कोण छह अंतर वाला होगा, अंतर वाला होगा, बाहर वाला नहीं, तो कोण तीन प्लस कोण छह बराबर कितना होगा? 180 अंश। तो देखिए इस प्रकार हमने रेखा कोण पर जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे सभी कॉन्सेप्टों को हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन कॉन्सेप्टों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं विभिन्न परीक्षा में पूछे गए और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है उन सभी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।